हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे टेलोस का। टेलोस किस तरह का कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, इसके फीचर्स क्या है, टोकनॉमिक्स क्या, सारी चीज थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोनों को, ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो रिबूट को, एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। $0.1484 अभी करंट में ट्रेड कर रहा है, एंड अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूँ तो 270.12 मिलियन अभी करंट में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई कैप रखी गई 355.2 मिलियन पे, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। इन्होंने इनिशियली बोला है कि अभी तो मैक्सिमम सप्लाई बढ़ नहीं रही है, यानी कैप रखी गई है। जब भी ऐसा होगा, यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई उसकी मैक्सिमम सप्लाई के बराबर पहुंच जाएगी, उसको कम्युनिटी डिसाइड करेगी, क्योंकि जो वैलिडेटर्स हैं उनको पे करने के लिए तो 0% जो भी इसका इन्फ्लेशन है उसको 1% पे फिक्स किया जा सकता है, यानी 1% पे ले जा सकते हैं, ताकि जो ब्लॉक प्रोड्यूसर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलता रहे। दूसरी बात, अगर आप ये कहोगे कि 0% अभी इन्फ्लेशन, एक्चुअली सर्कुलेशन में तो सप्लाई आ रही है, लेकिन इसके जो फाउंडेशन है उसके पास जो रिजर्व सप्लाई है उसमें से सर्कुलेशन में आ रही है। एंड अभी अगर देखा जाए तो ये मतलब इसके ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती, एंड ईवीएम चेन पे इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी बहुत छोटे अमाउंट में फीस पे करनी पड़ती है, तो उसको तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अभी जो कवर कर रहे हैं ट्रांजेक्शन फीस, यानी जो वैलिडेटर्स उनको जो रिवॉर्ड है फाउंडेशन से रिलीज हो रहा है, एंड बाद में यानी कह सकते हैं रिजर्व है इनके पास, उसमें से रिलीज हो रहा है। बाद में जब ये पूरी सप्लाई मतलब सर्कुलेशन में आ जाएगी उसके बाद ही 1% पे इसका जो मैक्सिमम इन्फ्लेशन फिक्स कर सकते हैं। मार्केट कैप की अगर बात करो तो $40.1 मिलियन का भी करंट में मार्केट कैप है। इफ यू वांट टू बाय इट, आप इजीली इसका BEP20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके पैनकेक स्वैप से भी बाय कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, अगर आप सेंट्रल एक्सचेंज से बाय करना चाहते हो तो क्यूकॉइन, gate.io और MEXC ग्लोबल पर अवेलेबल है। आप इजीली वहां से, इवन होबी ग्लोबल पर भी अवेलेबल है, आप इजीली चाहो तो वहां से भी इसको बाय कर सकते हो। अगर आप इसका डॉक सेक्शन जो सेक्शन है उसमें देखोगे तो वहां पे आपको इसका नेटवर्क का व्हाइट पेपर अलॉन्ग विद दैट इज सेवरल एग्रीमेंट्स एंड ब्रांड असेट्स, उससे जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अगर इनके व्हाइट पेपर को डिटेल में देखा जाए तो बेसिकली, पहले मैं आपको इन शॉर्ट नोट पर बता दे रहा हूँ, EOS का इन्होंने हार्ड फोर्क किया है, एंड उसके बाद उसमें जो कमियां हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश की। साथ में इन्होंने अपनी ईवीएम चेन भी रखे, विच इज कंपेटेबल विद इथेरियम वर्चुअल मशीन, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसको जो ऑलरेडी कह सकते हैं डीफाई स्पेस में मतलब जाइंट है उसका एडवांटेज मिल पाए। EOS के बारे में अगर आपको जानना है तो फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस उसका मिल जाएगा, एंड आप उसको डिटेल में देख सकते हो। तो इनके व्हाइट पेपर की शुरुआत ही वहीं से होती है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन के स्टेटमेंट से कि EOS की जो ड्रीम चेन है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक वो अपनी सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर ले। EOS का जब इनिशियली फंड रेजिंग हुई थी, यानी ICO हुआ था, उसके बाद SEC ने उसको धर लिया था, और उसके बाद उसको मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर का फाइन पे करना पड़ा था, एंड उसमें इन्होंने ये भी कोशिश की है कि जो टेलोस कॉइन है वो सिक्योरिटी डिक्लेयर ना किया जाए, एंड उस तरह से उसको डिजाइन किया गया। इन्होंने ट्राई बेस्ट किया, लेकिन 100% नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी है नहीं है, बिकॉज दैट विल बी डिसाइडेड बाय द SEC इटसेल्फ। नाउ अगर इनकी मतलब जो टेलोस ब्लॉकचेन के बारे में जहां से इन्होंने फीचर डिफाइन करना शुरू किया, तो वहां पे यही कंपेरिजन पहले तो दिखाया है कि जिस तरह से आप देखोगे, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, यानी उसमें आप देखोगे कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई किस तरह से सर्कुलेशन में आएगी EOS की, एंड दूसरी जो आपको येलो लाइन दिख रही है दैट इज टेलोस की। तो इन्होंने जो सप्लाई का इन्फ्लेशन वो काफी कम रखा है, एंड साथ में ही इन्होंने इनिशियली एंटी व्हेल मैकेनिज्म भी रखी, यानी 40,000 से ज्यादा टेलोस कॉइन एक पर्सन के या एक वॉलेट में नहीं रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हैवी कंसंट्रेशन डेवलप ना हो पाए और डिसेंट्रलाइजेशन रहे। जब इनका आप व्हाइट पेपर को पढ़ोगे तो आप जब उस पर डिटेल में देखोगे, लगभग 7वें पेज पर आपको एक डिटेल दिखेगी, टेलोस विल रिड्यूस एनुअल इन्फ्लेशन टू 2.5% कंपेयर टू 5%। अब यहां से दो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने एक शॉर्ट लाइन में मेंशन कर दिया है कि टेलोस 2.5% जो इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस करेगा। अब ये ऐसे भी हो सकता है लीनियरली रिड्यूस करते जा रहे हो, पहले इनिशियली हाई सेट कर दे जैसे सोलाना और वेलास का, बट इट वॉज नॉट लाइक दिस। अगर आप इसको फर्दर डिग इन करोगे व्हाइट पेपर में, डीप में जाओगे, तो वहां पे आपको 11वें नंबर पेज पे दिखेगा लोअर इन्फ्लेशन में, वहां इन्होंने एक्चुअली ये डिक्लेयर किया है कि EOS का जो इन्फ्लेशन है वो 5% है, एंड उसके कंपैरिजन में मतलब 50% लोअर एंड 2.5% ये जो इन्फ्लेशन है वो रखेंगे, ताकि मतलब जो सप्लाई वो बहुत धीरे धीरे करके सर्कुलेशन में आए और हैवी मतलब सप्लाई का कंसंट्रेशन सर्कुलेशन में ना आए, जिसकी वजह से प्राइस में डाइल्यूशन ना हो, जो EOS में इन्होंने इन्हें देखने को मिला था, और उसके सीख के इन्होंने ये चीज यहाँ पे की है। तो 11वें नंबर वाले पेज पे जब पढ़ोगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि ये मतलब EOS से कंपेरिजन करके बता रहे हैं, ना कि डायरेक्टली इस तरह से। अगर इनका एक्सप्लोरर ओपन करोगे तो वहां पे आपको डिटेल दिखेगी कुछ, एंड यहाँ पे एक काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लम वाली डिटेल है, वो है इनकी जो पीक जो TPS है लाइव दिखा रहा है, दैट इज 536,
बट बहुत टाइम तक आप देखोगे जीरो रहती है, फिर उसके बाद एक दो जीरो रहती है। इसका मतलब नेटवर्क बहुत ही मिनिमम यूज हो रहा है और ट्रांजेक्शन है वो नेटवर्क पे हो ही नहीं रही है। ये यहाँ से आपको क्लियर दिख सकता है। मैं आपको और भी स्क्रीन पर थोड़ी देर रोक के रखता हूँ, आप देख लेना, या इवन आप इसका एक्सप्लोरर ओपन करके देखना telos.eosauthority.com पे जाके, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो कि इस पे जो ट्रांजेक्शन है वो कम हो रही है कंपेयर टू दिस। इवन जो वर्स से वर्स चेन है उस पर भी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन से ज्यादा देखने को मिल जाती है। सो दैट यू शुड कीप इन माइंड टू। इनका ब्रिज भी अवेलेबल है बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दैट ईवीएम चेन भी है, साथ में उन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड किया, तो दो ब्रिज प्रोवाइड किए एक्चुअली, जिसमें आप इजीली चाहो तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जो टेलोस के सप्लाई स्विच कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दैट, इसके नेटिव से आप जो ईवीएम उस पर स्विच करना चाहो तो आप बड़ी इजीली उस पर भी स्विच कर सकते हो। अगर आपको उसको जो इकोसिस्टम एक्सप्लोर करना है तो उन्होंने नेटिव का जो इकोसिस्टम वो अलग से मतलब डिक्लेयर किया है एंड ईवीएम वाला अलग से डिक्लेयर किया, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, आप इजीली स्विच कर सकते हो इन बिटवीन ईवीएम एंड नेटिव, और वहां पर जाकर आप देख सकते हो कि इनके जो नेटवर्क पे जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं देयर सो मेनी, आप चेकआउट कर सकते हो वहां पर जाकर। नाउ प्रूफ ऑफ रिजल्ट से इन्होंने एक जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पब्लिश की है। एक्चुअली इनका प्रूफ ऑफ रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है, इन्होंने प्रूफ ऑफ रिजल्ट का जो आर्टिकल पब्लिश किया है दैट इज रिलेटेड टू जिन जिन एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है उनमें से किसने प्रूफ ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, यानी शो कर दिया ऑलरेडी, जिसकी वजह से ऐसा ना हो आगे चल के बैंक रन वाली सिचुएशन आए और आपकी अगर सप्लाई टेलोस की वहां पे तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो उस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे gate.io की कॉइन बिटफिनेक्स इस तरह से एंड होबी ग्लोबल इन्होंने और एमएक्सी ग्लोबल यहाँ पे इंक्लूड करके दिखा दिए, और उनके जो प्रूफ ऑफ रिजर्व के जो आर्टिकल्स हैं उसके डायरेक्ट लिंक भी यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, आप इजिली वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर इसकी आप टीम को चेकआउट करना चाहोगे तो इनिशियली आपको दिख रहे हैं ये जो छह लोग, ये एक्चुअली इसके बोर्ड ऑफ एडवाइजर में भी है एंड इसमें एक इंडियन भी है सुकेश टेडला, एंड लेटर ऑन यू विल सी लाइक सेवरल अदर पर्सन आल्सो, एंड इट्स अ बिग टीम, यू कैन एक्सप्लोर इट एंड देयर सो मेनी। नाउ अगर एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो उन्होंने इथेरियम की चेन पे क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है 27.14 मिलियन की, विच इज टू लेस। अगर इसकी जो सप्लाई देखोगे नियरली 270 मिलियन की है, एंड उसमें जो टॉप होल्डर है क्यूकॉइन है जिसके पास 8.9% सप्लाई है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एंड नाउ अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन का इनका एक्सप्लोर ओपन करके देखोगे तो उन्होंने 15 मिलियन के आसपास सप्लाई की क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की, 15.7 मिलियन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड इसका जो टॉप होल्डर है वो डेफिनेटली एक पर्सन है अगर आप उसको ओपन करके दिस पर्टिकुलर वॉलेट, बट इट इज होल्डिंग रिलेटिवली लेस सप्लाई, 2 मिलियन के आसपास सप्लाई होल्ड कर, जबकि इसकी सर्कुलेशन 270 मिलियन है। सो इट्स नॉट मच वरी सम प्रॉब्लम, बट आई कैन अश्योर यू दैट दिस इज अ पर्सन, एक पर्सन है जो इस पर्टिकुलर सप्लाई को होल्ड कर रहा है, बट टेंशन की बात नहीं है। टोकनोमिक्स के रिगार्डिंग इन्होंने अपनी डिटेल एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी है, आप उस पर जाओगे, यानी इनका एक सेक्शन ही है telos.net, उस पर जाके आप टोकोनोमिक्स इसकी इजीली रीड आउट कर सकते हो किस तरह से इन्होंने प्लान किया है एंड किस तरीके से उसको डिजाइन किया गया। तो पहले तो उन्होंने ये रखा है कि जो सर्कुलेशन में सप्लाई आएगी, यहाँ पे दो जगह क्लेम किया, मैक्स टू मैक्स वाला सिनेरियो भी क्लेम किया है एंड पोटेंशियल जो रियलिस्टिक सिनेरियो भी किया है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो इंक्रीज होगी वो नहीं इंक्रीज होगी, मतलब इट विल बी इंक्रीज लेस देन 4.1 मिलियन टेलोस पर मंथ, यानी इससे कम ही रहेगी, यानी ये इसमें देखा ना ये इस तरह का सिंबल दिखाया, यानी जितनी भी सप्लाई होगी इससे कम रहेगी। एक जगह इन्होंने ये क्लेम किया है, दूसरी जगह एक और सर्टन क्लेम है जिसको मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। एक यहाँ पे आप देखोगे इनकी जो इनिशियली स्टार्ट अप 243 मिलियन प्लस सप्लाई एंड अ लॉट ऑफ सप्लाई वॉज रिमेनिंग एंड जो फाउंडेशन के पास थी रिजर्व में थी एंड वो सप्लाई इनिशियली अनलॉक होके आ रही है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मैंशन किया है कि जब भी ऐसा होगा 355 मिलियन पूरी सप्लाई पहुंच जाएगी, उसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो 0% से 1% पर सेट किया जा सकता है कम्युनिटी वोटिंग के द्वारा एंड ताकि जो वैलिडेटर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलता रहे, ये चीज इन्होंने यहाँ पे क्लियरली क्लेम की है। उसके बाद फिर इन्होंने सर्टन अदर प्लेसेस पे इसको फिर डिटेल में एक्सप्लेन किया है किस तरीके से सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। एंड इसके बाद इतना ही नहीं है, इन्होंने सर्टन अदर जो फैक्टर है वो भी इंक्लूड किए हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वैलिडेटर्स को कितना जाएगा, नियरली मैक्स टू मैक्स 9 लाख टेलोस पर मंथ जाएंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना जाएगा, टेलोस फाउंडेशन के पास कितना जाएगा, इस तरह से उन्होंने सर्टन कैटेगरी में इसको ब्रेक करके भी दिखाया है कि किस तरीके से सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। बट नियरली यू कैन अज्यूम एक जगह उन्होंने 5 लाख का क्लेम किया है, एक जगह 4,10,000 का। सो हम इस सिनेरियो को मान के चलेंगे कि ठीक है, सॉरी 4.1 मिलियन का 4.1 मिलियन टेलोस पर मंथ मैक्स टू मैक्स सर्कुलेशन में आ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लगभग ऐसा समझ लो एक साल दो से तीन महीने का सिनेरियो कंसीडर कर लेंगे और उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगा।
अगर आपको इसकी टीवीएल देखनी, टोटल वैल्यू लॉक्ड इन द इकोसिस्टम, दैट इज इंप्रेसिव। जिस हिसाब से अभी इसकी रैंकिंग है, जिस हिसाब से इसका इकोसिस्टम, उस हिसाब से इसके पास ठीक ठाक टीवीएल है 36.84 मिलियन डॉलर की, विच इज गुड। एंड अब आते थोड़ा सा प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे, एंड इसके थोड़ा सा रियल टर्म में देखते हैं। प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट में क्या क्या वेरिएबल रखे हुए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनके फीचर्स भी ध्यान में रखे गए, यानी इनके कैसे फीचर्स हैं वो चीज ध्यान में रखे गए। अलॉन्ग विद दैट एक चीज और इसमें प्रॉब्लमेटिक है, वो मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। इनकी जो वेबसाइट के साथ मुझे प्रॉब्लम दिखी है, दैट आई फॉरगॉट टू इंक्लूड। अगर इनकी वेबसाइट आप चेकआउट करोगे तो वहां पे एक इन्होंने कंपैरिजन दिखाया विच आई डिडंट लाइक, और वो मैं निगेटिव फैक्टर में कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि वो क्लियरली एक मार्केटिंग स्टंट दिख रहा है एंड दैट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन दिखाया बिटवीन द ब्लॉकचेन्स, एंड क्योंकि अपनी ब्लॉकचेन बेहतर दिखे इसलिए इन्होंने ये मार्केटिंग स्टंट किया, विच इज टोटली बोगस एंड टोटली रॉन्ग। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो देखो, यहाँ पे इन्होंने ट्रांजेक्शन पर सेकंड का जो क्लेम है वो क्लेम किया है कि इनके 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड है, बट रियलिटी ये है कि अगर आप लाइव देखोगे तो हार्डली 2 तक जा रही है, अदरवाइज बहुत टाइम तक तो जीरो भी रह रही है, यानी नेटवर्क यूटिलाइज नहीं हो रहा। मैक्स टू मैक्स चाहे बेच सके इनकी इतनी है। मैटिक की 70-200 है, दैट इज फाइन। मैटिक की एक्चुअली में इतनी है। इथेरियम की 20 क्लेम की है, इथेरियम की 14 है। 20 बहुत ज्यादा दे दिया उसके लिए, लेकिन ठीक है, नियर फिगर है। लेकिन सोलाना की यहाँ पे 8,000 टीपीएस डिक्लेयर किया, विच इज टोटली बोगस। सोलाना की 50 के प्लस के जो टीपीएस है उसको 8,000 यहाँ पे कर दिया, क्योंकि अपने से ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि इन्हें अपने आप को बेहतर दिखाना, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने 8,000 इसके डिक्लेयर किया, विच आई टोटली डिडंट लाइक बिकॉज इट्स अ रॉन्ग फैक्ट, इट इज नॉट ट्रू। एंड यहाँ पे एवेक्स का जो 4,500 दिखाया, दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड उसके बाद फिर इन्होंने वही एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी के मामले में अपने आपको बेटर दिखा दिया, एंड सर्टेन अदर फैक्टर्स में सॉलिडिटी को सपोर्ट करने के मामले में, कि दैट ये सॉलिडिटी को सपोर्ट कर रहे बिकॉज इनकी एक ईवीएम चेन है, एंड सोलाना सॉलिडिटी को सपोर्ट नहीं करता, दैट इज ट्रू। अभी तक देखोगे तो सोलाना डायरेक्टली सॉलिडिटी को सपोर्ट नहीं करता, रस्ट मूवर C++ इनको सपोर्ट करता, लेकिन उसके इकोसिस्टम एक प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू वो ईवीएम कॉम्पेटिबल भी है, यानी वो सॉलिडिटी को सपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मतलब कंप्लीटली नहीं करता, लेकिन ठीक है, इस वाले को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट आई कुडंट डाइजेस्ट दिस रॉन्ग फैक्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने 8,000 इसलिए शो किया, सिर्फ प्योरली ताकि अपने आपको बेहतर दिखाना है। सो ये चीज मुझे काइंड ऑफ लाइक, मैं इसको नेगेटिव सिनेरियो में ही रखूंगा। तो अब वेरिएबल बता दे रहा मैंने क्या क्या रखे। वेरिएबल नंबर 1 जो मैंने आपको रियलिटी बताई, नेगेटिव वेरिएबल पहले बता दे रहा हूँ कि इनकी जो लाइव टीपीएस अगर हम वहाँ पे देख रहे हैं तो इनकी जो नेटवर्क है बहुत कम यूज हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने क्लेम किए हैं, एंड उसके बाद भी नेटवर्क बहुत कम यूटिलाइज हो पा रहा है। दूसरी चीज जो इन्होंने मार्केटिंग स्टंट में सोलाना से अपने आपको बेहतर दिखाने की कोशिश की, विच इज नॉट ट्रू, एंड उस टीपीएस के मामले में सोलाना इज मच मच बेटर दैन टेलोस, दैट आई कैन अश्योर। थर्ड थिंग, अगर पॉजिटिव साइड पे देखा जाए, क्योंकि ईवीएम कॉम्पेटेबल होने की वजह से डेफिनेटली इसको बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि ठीक है, मतलब एटलीस्ट इथेरियम से तो इनके मतलब जो कह सकते टीपीएस वो बेटर है। एंड अगर देखा जाए तो जो नेटवर्क जो टोकनमैक्स प्लान की है वो भी काफी वेल डिसेंट्रलाइज्ड है, उसकी वजह से हो सकता है इसको आगे चल के थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। एंड अनदर थिंग, अगर आप देखोगे तो ईओएस अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो डेफिनेटली टेलोस को उसका फर्दर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो सारे फीचर्स उसमें अवेलेबल हैं ऑलरेडी जो ईओएस में है। तो ईओएस तो वैसे मुझे सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रहा, एंड जब आप उसके फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखोगे तो मैंने मैक्स टू मैक्स सिनेरियो आपको बताया ही है, क्योंकि 2 बार हैक भी हो चुका था, इस वजह से मैंने उसको बाय करने के लिए मना किया था। बट एटलीस्ट टेलोस के साथ वो प्रॉब्लम नहीं, तो उसका भी एक पॉजिटिव एडवांटेज को टेलोस को मिल सकता है। एंड इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है कि यूएस की ब्लॉकचेन ज्यादा अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाती है, एंड उसके बाद अगर उसके प्रोजेक्ट मूव आउट करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए प्रिफर्ड डेस्टिनेशन डेफिनेटली टेलोस ही होने वाली है। बेस्ड ऑन दैट, अगर पिछले बुल रन में अगर देखोगे 2018 में मेननेट के आने के बाद टेलोस ने पिछले बुल रन में सिर्फ 360 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव कर पाई है, जबकि काफी साल से ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। अगर ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाए तो आई एम ओनली सीइंग इट रीचिंग टू नेक्स्ट, अगर बुल रन में देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स 1 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप तक अचीव कर पाएगा। एंड क्योंकि हम प्लस 60 मिलियन का इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई में एडिशन कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जो 4.1 मिलियन पर मंथ का जो मैक्स टू मैक्स मतलब जो एडिशन बताया सर्कुलेटिंग सप्लाई में इतना एडिशन हो सकता है, तो अगर एक साल कुछ महीने का अगर कंसीडर करोगे तो रफली वी आर कंसीडरिंग प्लस 60 मिलियन इसमें सप्लाई में। तो अगर ऐसा देखो तो 330 मिलियन उस टाइम पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी। विद रेस्पेक्ट टू दैट इफ यू सी $3 पर जाकर ट्रेड करेगा, एंड दैट इज रफली 20x फ्रॉम हियर, यानी मैक्स टू मैक्स इसमें 20 गुना करने का पोटेंशियल है अगले बुल रन के पीक टाइम तक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।